जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल जॉब रास्ता में। आज की इस वीडियो में सफाई कर्मचारी ट्रेड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कुल 50 प्रश्न आने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में हम 25 प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे अगली सभी वीडियोस में 50-50 प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ट्रेड सफाई कर्मचारी से संबंधित कुल 4000 प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जो कि बिल्कुल निशुल्क है। तो कॉपी पेन लेकर बैठें और सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पर भी मिलने वाले नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वीडियो का पार्ट वन है। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल जॉब रास्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एक, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ छावनी कैंटोनमेंट एरिया कौन सा चुना गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जालंधर कैंट। क्वेश्चन नंबर दो, स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2016 में। क्वेश्चन नंबर तीन, नीचे दिए गए विकल्प में से गीले कचरे वाले विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दवा की बोतलें। क्वेश्चन नंबर चार, भारतीय चिकित्सालय में साफ सफाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले डिब्बों या डस्टबिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 4। क्वेश्चन नंबर पाँच, अधिकारी के आदेश के अनुसार आपको फर्श की सफाई का जिम्मा दिया जाता है, आप नीचे दिए गए विकल्पों में से किसको प्राथमिकता देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, फिनाइल। क्वेश्चन नंबर 6, आप अपनी ड्यूटी के दौरान पाते हैं कि राम, जो कि एक लड़का है, अपने हाथ में आईबी बोतल लिए कचरे के डब्बे में डालने जा रहा है, आप उसको कौन सा डब्बा में डालने का निर्देश देंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, लाल डस्टबिन। क्वेश्चन नंबर 7, आप प्लास्टिक बैग को किस डब्बे में डालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा डी, लाल डब्बे में। क्वेश्चन नंबर 8, आपने सफाई के दौरान बहुत सी निकली वस्तुएं एकत्रित की, इन वस्तुओं को आप किस रंग के डब्बे में डालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सफ़ेद डब्बे में। क्वेश्चन नंबर 9, कॉटन बैंडेड एवं कांच के लिए आप क्रम से किन डिब्बों का चयन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा सी, पीला और नीला। क्वेश्चन नंबर 10, फिनाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सिस्टर पदार्थ से पुनः पदार्थों की प्राप्ति की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कचने का पुनर्चक्रण। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, कुल्हाड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लकड़ी काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, कचरा फेंकने के लिए सही स्थान का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, SBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ भारत का सपना सर्वप्रथम किसने देखा? तो ये देखा था गांधी जी द्वारा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लगातार 2 वर्षों से अधिक स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर चयनित होने वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 17, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 18, निर्मल भारत अभियान किस लिए जाना जाता है?
तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव में स्वच्छता कार्यक्रम से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 19, स्वच्छ भारत अभियान का वेब पोर्टल क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए www.mygov.in। क्वेश्चन नंबर 20, किस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मल भारत अभियान के तहत। क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनमें से कौन एक है जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 22, नीले हार्पिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लैट्रिन की सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, लाल हार्पिक कहाँ उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाथरूम की सफाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, एमसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 25, नारियल झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, रफ सतह पर, खुरदरी जगह पर।